दोस्तों आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने ही चैनल टाइगर फंटेसी पर तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिकेट दुनिया का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट सबसे बड़ा सम्मान सबसे बड़ा जो है फाइट वो यहाँ पर शुरू होने वाला है कल से जिसको जाना जाता है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के नाम से दोस्तों टी ट्वेंटी का भी वर्ल्ड कप होते हैं टेस्ट का भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होते हैं लेकिन ये जो पचास ओवर के वर्ल्ड कप है यही पूरे दुनिया के अंदर क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट करके जाना जाता है तो इसका जो है पहला मैच खेला जाएगा लास्ट ईयर की जो दो टीम्स मतलब लास्ट ईयर की जो दो फाइनलिस्ट टीम्स थे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ये दोनों मिलकर पहला मैच की शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू स्पेशली दोस्तों प्लेयर स्टैट्स रहेगा साथ ही साथ प्रैक्टिस मैचेस में कौन से प्लेयर कैसे परफॉर्मेंस किया है या फिर आपको इस मैच पर फैंटासी की टीम पर कौन कौन से प्लेयर को मास्ट पिक करना चाहिए या फिर आप किसको थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हो कौन प्लेयर बॉलिंग कर सकते हैं या नहीं ये सारी जानकारी आपके सामने लेकर आए हूँ टीम न्यूज क्या क्या है बहुत बड़े प्लेयर यहाँ पर मिस होने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक पूरा देखिए ताकि आपको अच्छी अच्छी नॉलेज मिल सके और आप एक अच्छी विनिंग टीम बना सके सबसे पहले दोस्तों फाइनल टीम्स के लिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम पर जाके आप सर्च कर सकते हो देखिए दोपहर दो, दो बजे मैच होगा या फिर आ, अगर कुछ तरह से यहाँ पे कोई भी जो है यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी अगर होगा ऐसे तो कोई भी न्यूज उतना नहीं आ रहा है अगर नहीं होगा तो दो बजे स्टार्ट हो जाएगा मैच अगर होगा तो थोड़े बहुत डिले भी हो सकते हैं दो बज के पाँच दस मिनट हो सकते हैं देखिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर मैच होने वाला है अहमदाबाद में जो वर्ल्ड के सबसे बड़ा स्टेडियम अभी है वे इधर क्लियर है यहाँ पर एक, एक परसेंट भी बारिश के कोई चांसेस नहीं है पीज रिपोर्ट की बात करें फ्रेश पीज यहाँ पर आर्ली स्विंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मतलब जो है पीच बिल्कुल नए तरीके से बनाया जा रहा है जितना खबर सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर लगभग एवरेज स्कोर बनेगा 270 से लेकर 300 तक लेकिन 300 के ऊपर भी जा सकते हैं 320 30 तक भी जा सकते हैं क्योंकि अभी ओ मैचेस के अंदर हमेशा ऐसा चल रहा है कि हाई स्कोरिंग मैच रहे और थोड़े बहुत ज़्यादा स्कोर बनने से क्या हो, होता है कि एंटरटेनमेंट भी ज़्यादा हो जाते हैं लास्ट मैचिस की बात करें इंग्लैंड की टीम रिसेंट में जो चारी आई खेले हैं उनमें से चारों के चारों ही जीत कर आ रहा है लेकिन न्यूजीलैंड की बात करें चार खेले वहां पे दो जीते थोड़े बहुत डाउट में चल रही है टीम और टीम और में थोड़ा सा इंजरी कंसर्न भी है कौन से प्लेयर इंजर्ड है वो आपको आगे जाकर ऑब्वियसली बताने वाला हूँ देखिए आज के मैच पर दोनों ही टीम के यहाँ पर हमने सेम सेम करके रखा है क्योंकि टूर्नामेंट का पहला मैच है तो देखते हैं कौन सी टीम किस तरह से आगे बढ़ते में जो है एबिलिटी रखते हैं देखिए टीम ने उसकी बात करें केन विलियमसन जो है पहला मैच मिस करेंगे क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच पे रिटायर्ड हार्ट हो गए थे जब प्रैक्टिस मैच खेले थे तो जो न्यूज आया है कि इन्होंने फर्स्ट मैच मिस करेंगे टीम साउदी पहला दो मैच के लिए ऑब्वियसली डाउटफुल है नहीं भी खेल सकते लेकिन इंग्लैंड की तरफ से कोई ऐसा न्यूज नहीं है पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देंगे इंग्लैंड के प्रॉबल प्लेइंग से देखिए जॉनी वेस्टो डेविड मलान जो रूट हैरी ब्रुक उसके बाद यहाँ पर जोस बटलर बेन स्टोक्स आ, लेम लिविंगस्टोन मोइनाली और उसके बाद यहाँ पर आदिल रशीद रिस्टोकली और गास् एटसन तो यहाँ पर चेंजेस क्या हो सकते हैं अगर पिच के ऊपर थोड़े बहुत स्पिन की कोई असर नहीं आते हैं यहाँ पर हैरी ब्रुक को ड्रॉप किया जा सकता है बेन स्टोक्स आ जाएंगे डिरेक्ट नंबर चार पे और यहाँ पर लिविंगस्टोन खेलेंगे नंबर छः और मोइनली नंबर सात साथ में आठ नंबर पर क्रिस क्रीसॉक्स खेल जाएगा जो कि मोइनल की जगह हमने यहाँ पर ऑब्लिक देके लिख के रखा है तो ये गई इंग्लैंड के स्क्वाड प्रॉबल प्लेइंग से अभी देखते हैं न्यूजीलैंड के प्रॉबल प्लेइंग से क्या हो सकते हैं डेविन है ओपनिंग कर सकते हैं राचिन रविंद्र के साथ या फिर भी ओपनिंग कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं नंबर तीन पर है टॉम लाथम जो कि टीम का कप्तानी करेंगे क्योंकि कैन विलियमसन आपको पता ही है पहला मैच नहीं खेलेंगे डेरिल ग्लेन फिलिप्स ये दोनों एज ए बैटिंग ऑलराउंडर इस मैच पर खेलने वाले हैं और मिचेल सरनर या फिर जेम्स निशम दोनों में से कोई एक खेलेगा अगर पिच के अंदर थोड़े बहुत टर्न आए तो मिजल सरनर मास्टमी स्क्वाड के अंदर आ जाएगा और जेम्स निशम अगर पिच पर गति रहे पेस रहे तो यहाँ पर ये यह खेलेगा उसके बाद इस सऊदी मैडी ट्रेंड बोर्ड टीम सऊदी अगर फिट रहे तो खेलेंगे नहीं तो इसकी जगह कौन खेल सकते हैं ऑब्वियसली लॉकी फार्गसन तो दोस्तों ये तो गई दोनों टीम की प्लेइंग एक्सरसाइज पूरे स्टेट्स बताने से पहले

मोइन अली उन्तालीस गेंदों में छप्पन बहुत बड़े इनिंग्स थे रिश टोपली तीन विकेट निकाले राशिद ने दो विकेट निकाले और डेविड उइली ने दो विकेट निकाले गोस एटकिनथन की जगह यहाँ पर डेविड उइली भी खेल सकते हैं हमने उनको क्यों रखा क्योंकि उनके पास गति और स्विंग बहुत अच्छी तरीके से है ऐसा नहीं है कि डेविड उइली के पास नहीं है लेकिन उइली अगर खेले तो टीम को जो है बैटिंग में भी थोड़े बहुत डेफ दे, दे सकते हैं तभी क्या हो सकता है कि एटकिनसन की जगह खेल लेंगे यहाँ से डेविड विली और, और यहाँ पर मोइन अली खेल जाएगा डायरेक्टली क्योंकि स्पिनर की जरूरत ऑब्वियसली है टीम के अंदर और न्यूजीलैंड की बात करते हैं डेवन कॉनवे ने तिहत्तर गेंदों में अठहत्तर रन मारे एक मैच पे केन विलियमसन इक्यावन गेंदों में सैंतीस रन पचास गेंदों में चौवन रन दोनों मैच में रिटायर्ड हार्ड हो गए थे दोस्तों आ, मतलब जल्दी बैट के जल्दी वापस चले गए आउट नहीं हुए थे दोनों मैच में आउट नहीं हुई थी आपको ध्यान में रखना चाहिए टॉम था एक मैच पर छप्पन गेंदों में बावन फिलिप्स ने चालीस गेंदों में तैंतालीस बोल्ड ने दो विकेट निकाले रचिन रविंद्र बहत्तर गेंदों में सत्तानबे रन जो मैच में इन्होंने ओपनिंग करी थी वहाँ पर बनाए थे बहुत बड़े इनिंग्स खेली थी वो इसलिए यहाँ पर ये ओपनिंग कर सकते लेकिन एक दिक्कत की बात है जो पाकिस्तान के में ये नाइन्टी बनाए थे ना वहाँ पे टीम में साइन साफरीदी जैसे प्लेयर्स मिस आउट कर रहे थे क्योंकि प्रैक्टिस मैच थे वो उनकी मर्जी थी खेलना या नहीं खेलना डेर सत्तावन गेंदों में मार्क ने इकतालीस गेंदों में पैंसठ जेम्स निसम इक्कीस गेंदों में तैतीस और सन्ना ने दो विकेट निकाले तो थोड़े बहुत आपको अंदाजा आ गए होंगे कि कौन से प्लेयर यहाँ पर किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है अभी बात करें प्लेयर्स की जो रिसेंट स्टेट्स है ओडीआई की रिसेंट वो किस तरह से रहेगा देखिए जॉनी बेस्ट तीन मैच खेले छः जीरो तेरह रन उतना ख़ास फॉर्म इनका नहीं चल रहा है डविड मलान की बात करें एक रेड हॉट फॉर्म में है दोस्तों मतलब बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहा है डविड मलान चौवन छियानबे एक सौ सत्ताईस सत्ताईस और इंडिया के अंदर इनका रिकॉर्ड्स भी बहुत बढ़िया है उसका उसकी बात करें देखिए दो मैच शायद खेले थे वहाँ पर दोनों के दोनों में ही फिफ्टी लगाए थे इसलिए हमने उनको अलग तरीके से नहीं लिखे हैं जो रूट इनका फॉर्म दोस्तों इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी कंसर्न है अगर इनकी फॉर्म ठीक से नहीं रहे तो इंग्लैंड की बैटिंग और जो है थोड़े बहुत दिक्कत में आ सकते हैं लास्ट तीन मैचों में जीरो चार उनतीस रन बनाया है हैरी ब्रूक पच्चीस दो दस रन जोस बटलर कप्तान ने यहाँ पर तीस अड़तीस छत्तीस रन तीन मैच पर थर्टी प्लस थर्टी प्लस करके रन स्कोर किया है बेन स्टोक्स की बात करें बावन एक एक सौ बयासी कम बैक करने के बाद यहाँ पर जो है रिटायरमेंट तोड़ के आए हैं और बहुत ही बड़े तरीके से कम किया दोस्तों बेन स्टोक्स ने लिविंग स्टोन नाइन्टी फाइव ग्यारह अट्ठाइस दोनों मैच पर तीन और एक टोटल चार विकेट निकाले मोइन अली की बात करते हैं तैंतीस बारह तीन रन और विकेट में दो एक चार काफ़ी इंपॉर्टेंट चॉइस आपके लिए बन जाएगा ये सेकंड इनिंग्स में स्पेशली क्रीसोक्स चार तीन एक रन तीन मैच में एक ही मैच में तीन विकेट निकाले आदिल रसीद एक विकेट रिस टॉपरी ने तीन दो जीरो विकेट गस अटकन्सन अभी हाल ही में डिब्यू किया है इन्होंने तीन मैच में एक विकेट निकाले तो यहाँ पर कौन से प्लेयर इस मैच के लिए बढ़िया चॉइस बनेगा देखिए डेविड मलान मास्ट है और विकेट कीपर इंस्ट्रक्शन पर हमारे लिए पहला चॉइस रहेगा कौन डेविन कौन है क्योंकि उसका फॉर्म ज़्यादा अच्छा है मोर देन यहाँ पर जॉनी बेस्ट हो तो डेविड मलान के बाद जो रूट को फिर से एक बार हमने मौका देना चाहेंगे क्योंकि देखिए प्लेयर कि जो क्वालिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो हंड्रेड में टू हंड्रेड परसेंट है लेकिन आप ये जाँच नहीं कर सकते कि लास्ट कुछ मैचेस में खराब चले तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लेयर अच्छा नहीं है फॉर्म थोड़ा सा बहुत कंसर्न रह सकते हैं जुर्स बाटलर बेन स्टोक्स स्लिपिंग स्टोन उसके बाद मोइन अली अगर खेले तो मास्ट पिक बन जाएगा और रीस टोपली या फिर आदिल रशीद दोनों में से आप दोनों को ही ले सकते हो चलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ देखिए यहाँ पर एक बात आपको उतना भूल गए कि डेथ में कौन डालेगा डेथ में यहाँ पे प्ले या फिर डेथ दोनों में देखिए रिस्ट्रॉपली काट और साथ में यहाँ पर स्टोक्स सबको दिखाई दे सकते हैं अगर खेले तो नहीं तो यहाँ पर लियाम लिविंगस्टोन भी कभी कभी आ जाते हैं कहाँ पे डेथ में बॉलिंग करने एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों बेन स्टोक्स जो है बॉलिंग नहीं करेगा ये इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बोल बॉलिंग नहीं करेगा तो एक चीज़ हो सकता है कि टीम ने इनको टू डाउन बैट्समैन के रूप में खिलाए और यहाँ पर बॉलिंग किसी और को दे के करा दिया जाए चलता है यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से देखेंगे स्टैट्स प्लेयर स्टैट्स डेविन कॉन है चौदह नौ सात रन इनका भी देखिए लास्ट तीन मैच का परफॉर्मेंस ख़राब है लेकिन उससे पहले इन्होंने एक रन की स्कोर बनाए थे राचिन रविंद्र जीरो रन दस रन दोनों मैच पर एक विकेट है फॉर्म मैच में प्रैक्टिस मैच में इनका स्टेस अच्छा है तो इसलिए मैं इनको पिक करने जा रहा हूँ विलियम अट्ठावन जीरो सत्तर रन लास्ट तीन मैच में अच्छे स्कोर बनाए थे जो बांग्लादेश के अगेंस्ट इनका सीरीज हुआ था वहाँ पर बहुत अच्छे खेले टॉम टॉप की बात करें दोस्तों तो उन्नीस तीन तेरह रन ठीक ठाक चॉइस रहेगा विकेट कीपरिंग पर मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो डेरेल मिचेल सत्तावन सत्रह चार रन दोनों मैच पर दो विकेट है आ, कई बार इन इन दोनों मिलके मतलब डेरल मिशेल और ग्लेन फिलिप्स मिलके ही यहाँ पर दस से लेकर बारह ओवर कर सकते हैं पाँच पाँच छः छः ओवर डाल सकते हैं ग्लेन फिलिप्स दो बहत्तर पच्चीस रन तीन मैच पर एक विकेट है आ, मिचल सन्ना चार रन एक विकेट जेम्स रिसम ने रिसेंट में कोई भी यहाँ पर ओ ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं इस दोनों मैच में छः विकेट जीरो विकेट मैट uh, हेनरी की बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉलर है अगर अर्ली स्विंग मिल जाए तो ये और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं जीरो एक दो विकेट तीन मैच पर निकाला है ट्रेंड बॉल जीरो विकेट दो विकेट टीम सऊदी दो दो जीरो विकेट लॉकी फर्गूसन की बात कर लेते हैं दोस्तों एक और एक टोटल दो विकेट निकाले दो मैच खेल के यहाँ पर डेज में डालेंगे कौन अगर फर्गूसन सऊदी दोनों में से जो भी खेलेंगे वो डेज में डालेंगे ट्रेंड बॉल पावर प्ले में मास्ट पिक आ, मैट हंडी बी पावर प्लेगा एक अच्छे खासा स्विंग बॉलर आपको देखने को मिलेगी अभी देख लीजिए कौन से प्लेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट चॉइस बनेगा न्यूजीलैंड टीम की तरफ से आ, वो रहेगा डेवन कौन है रचिन रविंद्र विलियम टॉप थ्री में से कोई भी दो उसके बाद डैरल मिचिल ग्लेन फिलिप्स मिडिल ऑर्डर में अच्छे खासे पिक मिचल सटनर ई दोनों में से किसी एक को आप ट्राई करें और यहाँ से जो तीन पेसर है तीन में से किसी एक या फिर दो के साथ आप जाइए मैटी ट्रेंड बोल्ट और लॉकी फर्गसन या फिर टीम साउदी देखिए पहला मैच है तो इसलिए हमने किसी का फॉर्म जाँच नहीं कर सकते हैं दोस्तों जैसा कि ट्रेंड बोल्ट जो है हमेशा के लिए इन्होंने बड़े टूर्नामेंट पर परफॉर्मेंस देते हैं इसलिए आप ये कह नहीं सकते कि अगर पावर प्ले में बोलिंग अच्छा नहीं करे तो हमने इनको ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डेथ में आके दो विकेट निकल जाए तभी आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान बन सकते हैं तो दोस्तों स्मॉल लीग के लिए अभी बात करें बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस जो रूट केन विलियमसन केन विलियमसन हालांकि नहीं खेल रहा है इस मैच में डेविड मलान डेवन कॉन है और गैन लीग चॉइसेस में देखिए ग्लेन फिलिप्स डेरल मिचल जोस बाटलर लेम लिविंगस्टोन चारों खास चॉइस इस मैच पर रहेगा क्योंकि यहाँ पर मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर मिलाकर ही प्लेयर्स है दोस्तों ये रहेगा आपके लिए स्टेटिस की बात अब हम चलते हैं एक डेमो और बेसिक टीम बनाकर आपको दिखाएंगे लेकिन फाइनल टीम के लिए तो आपको अभी टेलीग्राम ही ज्वाइन करना पड़ेगा वहाँ पर आपको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग के सारे टीम्स मिल जाएगी तो फिलहाल दोस्तों विकेट कीपरिंग सेक्शन की बात करें डेवन कोने को हमने पिक करेंगे साथ में बाटलर रहेगा क्योंकि एक तो है यहाँ से कोना न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनर है जो कि बहुत अच्छे यहाँ पर खेल रहा है और जोश बटलर मिडिल ऑर्डर में ये भी खास खेल सकते हैं बैटिंग सीजन की बात करें तो स्टोक्स मिचेल साथ में यहाँ पर जोरू डेविड मलन और ग्लेन फिलिप्स पांचों बैटर्स को लेकर हमने इस मैच पर जाने वाले हैं डेरल मिचेल को लेना चाहिए तो ये तीनों को पांचों पाँचों को लेके हम चलेंगे लेकिन एक एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर बटलर को ड्रॉप करके ऑलराउंडर सेक्शन में एक एक्स्ट्रा प्लेस को हम ले सकते हैं मोइन अली या फिर लिविंग स्टोन से फिलहाल हमारे टीम पर रहेगा सेंटर चलते बॉलिंग पे ट्रेंट बोल्ट और उसी के साथ मार्कउट अगर खेले तो ये भी बहुत बड़े ऑप्शन बन सकते हैं फिलहाल हम लेके कर चलेंगे रिश टोपली और ट्रेंट बोल्ट तीनों बॉलर्स यहाँ पर हमारा टीम पर रहेगा हमने देखिए इस मैच पर बॉलर से ज़्यादा बैट्समैन से ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया है क्योंकि मैं एक हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर आपको लेकर स्कोर ज़्यादा नहीं बनेगा तो आप थोड़ा बहुत बॉलर्स भी ज़्यादा रख सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं डेवन कौन है जो रूट हमारा टीम का बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन रहेगा आप चाहो तो यहाँ पर कुछ भी करके चेंजेस कर सकते हो कौन से प्लेयर्स में से वो आपको बता दे रहा हूँ देखिए चेंजेस आप कर सकते हो डेविड मलान बेन स्टोक्स डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स आ, ट्रेंट बोल्ट साथ में यहाँ पर आ, जो है आप बटलर को भी बना सकते हो मिडिल ऑर्डर के थ्रू तो दोस्तों फिलहाल ये रहेगा आपके लिए एक डेमो टीम फाइनल टीम उसके लिए अभी क्या हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके सामने ही रहेगा और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेलकन को भी दबा देना साथ में दोस्तों सपोर्ट करते हुए चैनल के साथ जुड़े रहना थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले वीडियो में